अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक लाइक आयशा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से बकलावा। बहुत ही आसान तरीके से पफ पेस्ट्री से बनाना सिखाऊंगी, तो आज की रेसिपी पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें हम बनाते हैं ये मज़ेदार से बकलावा। बकलावा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। अब मैंने लिए 400 ग्राम्स पफ पेस्ट्री की शीट, 2 टेबल स्पून काजू, 2 टेबल स्पून एलमंड्स, 3 टेबल स्पून पिस्ताचो। पिस्ताचो थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा, अच्छा फ्लेवर और कलर आता है। और 2 टेबल स्पून जितना ही यहाँ पे है वॉलनट्स। 1 एग ब्रश के लिए, आधा पाव खोया लिया था जो कि आपको पता है जमा हुआ होता है, उसको मैंने चॉपर में ज़रा सा चलाकर इसको इस तरह से कर लिया ताकि इजीली स्प्रेड हो सके, ठीक है ना। हाथ से भी आप इसको ग्रेट कर सकते हैं, जिस तरह हम चीज़ को ग्रेट करते हैं इस तरह आप खोए को ग्रेट कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने लिया है देसी घी, मुझे देसी घी की खुशबू बहुत पसंद है तो मैं चाहती हूँ थोड़ी देसी घी की खुशबू आए इसमें। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, चीनी है यहाँ पे मेरे पास 1 कप से थोड़ी सी क्वांटिटी कम ली है मैंने, समझ लें 4 टेबल स्पून इसमें निकाल लिए हमने, टोटल 1 कप जो है हमने इसमें शुगर यूज़ करी है। और 1/2 कप है यहाँ पे पानी शीरे के लिए, 1 कप चीनी में 1/2 कप पानी से बहुत अच्छा शीरा तैयार होता है, जिसमें हल्की सी जो तार बनने वाला शीरा होता है वो। और 1-2 टेबल स्पून मैं इसमें यूज़ करूँगी लेमन जूस। लेमन जूस शीरे में लाजमी यूज़ करते हैं वरना इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। सबसे पहले जो है मैं क्या करूँगी, ये तमाम नट्स को पीस लूँगी चॉपर में और खोए के साथ इसका एक बहुत अच्छी सी एक फिलिंग तैयार कर लूँगी। खोए को अगर आपने उस पहले से ना पीसा हो तो आप इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं, और शुगर पाउडर भी या फिर साबुत शुगर ले लें इसी में डाल दें तो वो भी पिस जाएगी। और ये खोया, इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में डालकर अच्छे से एक पाउडर मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो चुका है खोए का और तमाम नट्स का। ये हमारी अंदर की बकलावा की फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम बकलावा बनाना शुरू करते हैं। शीट्स को आप फ्रिज में नॉर्मल निकाल कर, अगर फ्रिज में रखी हुई है आपने फ्रीज़र में बनाकर पहले से, तो आप उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने दें फिर इसको यूज़ करें। हल्का सा इसके ऊपर फ्लावर डस्ट करते हैं और इसको हम बेलेंगे 1/2 इंच जितना, बिल्कुल उतना ही हमने उसकी रखनी है चौड़ाई थिकनेस जितनी हम रखते हैं पफ पेस्ट्री में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने इसकी पतली लेयर भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा हमने इसकी मोटी लेयरिंग भी नहीं करनी। अभी मैं बेलने के बाद आपको इसकी लेयरिंग चेक करवाती हूँ। दो पीसेस में करने वाली हूँ इसलिए, तो यहाँ पे जो लाइन है इससे मैंने ये इसको 1/2 1/2 कर दिया, ठीक है। अब इसकी थिकनेस देख लीजिए आप, यहाँ पे इसकी थिकनेस 1/2 इंच यानी कि 1 इंच इसकी 1/2 इंच इसकी थिकनेस है, ठीक है। 1/2 इंच हमने इसकी रख ली है, नहीं है थिकनेस। अब ले लेंगे हम एक पैन, जिस पैन में हमें ये रेसिपी डन करनी है वो हल्का सा आपने नीचे इसके बटर लगा दें या फिर जो है मैं यहाँ पे देसी घी लगा रही हूँ क्योंकि आज इस रेसिपी में, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा पैन को अच्छा सा थिक सा बटर लगा कर ना ग्रीस करना है। जो एक तो हम लोग केक के लिए हल्का सा ग्रीस करते हैं ना, हल्का नहीं थोड़ा सा ज़्यादा लगा कर बटर इस तरह से ग्रीस करना है और ये शीट जो है इस पर रख देनी है। अच्छा आप चाहें तो केक ट्रे पैन ले लें, किसी में भी ये रेसिपी को आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से कोई एक प्लेट या फिर जो है इस तरह से कुकी ट्रे लें, केक पैन में भी इजीली बना सकते हैं आप इसको। मैं बस ये है कि अपनी आसानी के लिए जो है थोड़ा सा खुला हुआ ले रही हूँ ताकि ईजीली मैं इसको हैंडल कर सकूँ, वरना मोस्टली जो है थोड़ी सी हाइट वाले बर्तन में बनाते हैं इसको ताकि वो ईजीली बेक कर सकें। अच्छा यहाँ हल्का सा हमने देसी घी जो है चम्मच की हेल्प से इस पे लगा दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो अभी हमने मिक्सचर तैयार किया था खोए का, बादाम पिस्ते और वॉलनट्स का, वो हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे।
अब हम इसके ऊपर इसकी नेक्स्ट लेयर जो है वो रख देते हैं। आपने ख्याल रखना है जिस तरीके से आपने इसको काटा था ना, जिस साइड से, उसी साइड से आपने रखना है ताकि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सही से बैठ जाए, बड़ी छोटी ना हो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे पैन यूज़ नहीं कर रहे हैं, वरना फिर हम पैन के साइज से ही इसको कट करते। जो लोग इसको पैन में बनाएं वो उसको पैन के साइज से ही जो है वो करते हैं। अब इसके ऊपर हम सिंपल एग वॉश करेंगे और ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए 5 मिनट पहले ऑन कर दिया था। एटलीस्ट 10-15 मिनट पहले आप ओवन को प्री हीट कर लिया करें ताकि आपका ओवन अच्छे से प्री हीट हो जाए। और इसे हम 150 पे बेक करेंगे 45 to 50 मिनट्स के लिए, ठीक है ना। डिपेंड, हल्की आंच पे ही बेक करिएगा क्योंकि हल्की आंच पे पफ पेस्ट्री के लेयर ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी और अच्छे खुलते हैं। यहाँ पे थोड़े से पिस्ताशो लें और एक एक इस तरह से इसके ऊपर रख दें, तो जब हम पीसेस करेंगे तो एक एक सिंगल पीस के ऊपर एक एक पिस्ताचो बहुत ही अच्छा लुक देगा। आप चाहें तो पिस्ताचो का पाउडर भी इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बस अब मैंने इसे इसके ऊपर दोबारा से एग वॉश करना है और इसे बेक करना है 150 डिग्रीज पे, जब तक कि इसका अच्छा सा कलर ना आ जाए। वेलकम बैक। ये देखिए बकलावा हमारा बेक हो चुका है, ज़बरदस्त सी इसकी लेयर्स खुल चुकी हैं और बहुत अच्छा इसका लुक आया है। और ये देखें बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। अब हम इसे साइड पे कर देते हैं और अब रेडी करेंगे हम बकलावे के लिए शीरा। तो यहाँ पे मैंने ले ली चीनी, 1 कप चीनी, और उसकी हाफ क्वान्टिटी लेंगे हम पानी, ठीक है। और अच्छा, बकलावा के अंदर जो है आप चाहें तो ऑप्शनल है इलायची ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए, अदरवाइज ज़रूरत इसकी नहीं है। अब मैं इसी में थोड़ा सा ले रही हूँ मैं लेमन का जूस, 1 टेबल स्पून जितना, ठीक है ना। बस ये इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। तो अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी और हमें शीरा तैयार करना है। हल्का सा इसमें जब चिपचिपाहट आ जाएगी, तार बनने लग जाएगा उतना, जब चीनी मेल्ट हो जाए तो फिर आपने इसे चलाना है, उससे पहले शीरे को नहीं चलाइएगा, ठीक है। शीरा बनाते हुए थोड़े से एहतियात करनी चाहिए, लेमन जूस यूज़ करना चाहिए, वरना क्या है क्रिस्टल बन जाते हैं। ज़रा सा हम इसको और पकाएंगे और फिर हम इसको हल्का सा ठंडा होने पे चम्मच पे हल्का चेक करेंगे, जब इसमें चिपक आ जाएगी बस हमने इसको इतना ही पकाना है। अभी इसमें चिपक नहीं आई है, अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर देती हूँ क्योंकि ये शीरा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब आप इसे चम्मच पे इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से चेक करेंगी तो ये देखें ये इस तरह से चिपचिपाहट बन रही है। बस यही वो टाइम है कि आपका शीरा जो है रेडी हो चुका है, ठीक है। बस फ्लेम को आपने इस टाइम पे फिर बंद कर देना है। लास्ट में अब हम इसके ऊपर शीरा डालेंगे। मैंने इसकी ट्रे जो है नीचे से चेंज कर दी है, आप भी एक ऐसी ट्रे ले लीजिएगा जिसमें ये थोड़े देर शीरे में डिप होकर रह सके। और इसको हम शीरे में डिप करने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये जो बकलावा है अच्छे से सारा शीरा पी ले। लास्ट में अब हम इसके पीसेस कर लेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो आज की रेसिपी बकलावा की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।